ये देखो आज का हमारा डिनर प्लेट बिल्कुल रेडी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रूपास डेली मिरर। एक्चुअली आहाना कुछ देर पहले रवाना हुई है और वो छोड़ने गए है ना आना को, तो जब तक वो आ रहे तब तक मैं मिल्क पी लेती हूँ और उसके बाद रेडी हो जाती हूँ, जाऊंगी वॉक के लिए और आपको भी थोड़ा सा लेके चलती हूँ। आज जाते हो क्या वॉक के लिए? वर्कआउट करो थोड़ा बहुत, अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहोगे। मोटा पतला लंबा चौड़ा कुछ भी हो, इंसान वर्कआउट करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हेल्थ को अच्छा रखता है। ऐसा नहीं वॉक करने योगा करने से आप पतला हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप हेल्दी रहोगे, ये सबसे बड़ी बात है और कुछ नहीं। इंसान अपने दिल से खूबसूरत होती है, अपने दिल से, अपने मन से। तो चलो सबसे पहले जो है मैं ना अपना हुलिया थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। आज तो फ्राइडे है, आज रात को कुछ स्पेशल बनेगा, मेरे लिए स्पेशल है, उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि पूरा हफ्ता मैं उसको थोड़ा हल्का पतला खिलाती रहती हूँ, लेकिन एक दिन हफ्ते में उनको अच्छा खाना मिलेगा, उनके पसंद का खाना मिलेगा, ये मैंने उनको प्रॉमिस किया है। सो आज रात को मैं अच्छा कुछ बनाऊंगी। सबसे पहले थोड़ा वॉक करके आती हूँ, थोड़ा एनर्जी मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, मुझे अच्छा लगता है। चलो, उस दिन मैं आपको खूब बोल रही थी ना, मुझे याद रहता है कौन सा वुमेन्स हॉर्लिक्स है, कौन सा नॉर्मल हॉर्लिक्स है, बट आज सुबह ना मैंने आना को वुमेन्स हॉर्लिक्स दे दिया। वो बोल रहे मम्मी आज कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, तो मैंने उसको बोला बेटा आज मैंने आपको वुमेन्स हॉर्लिक्स दे दिया, आप आज वही पियो। क्या करूं, इंसान से गलती तो होती रहती है ना। ये जो हॉर्लिक्स मैं रोज पीती हूँ ना, ये मेरे लिए अमृत है, अमृत। वो आ गए हैं, गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे रहा है, चलो पी लेती हूँ फटाफट। ये देखो पार्क की एंट्री गेट, ऊपर से पानी बह रहा है, तो चलो ये है पार्क और इधर से हमारा शुरू होता है चलना। लोग ऐसे घूमते हैं, हम लोग ऐसे जाते हैं, इसके ऊपर धूप हमें अच्छा नहीं लगता। इनको देखो, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। ये जो धूप है ना, ये बहुत मीठा है, अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद अभी लगेगा, चुपता है। 8:30 है, इससे ज़्यादा जल्दी आओ तो और भी अच्छा लगता है। हो गया आज के लिए वॉकिंग। चलने के बाद ना स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, लेकिन जब भी इससे पेड़ के छाव में हम बैठते हैं ना, तो एकदम मन दिल दोनों शांत हो जाते हैं, ठंड सा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा लगता है। आज इनका ना मन हो गया बाहर से डोसा खा के जाएंगे, पास में ही है वो जो रेस्टोरेंट हम गए थे ना उस दिन, तो वहीं पे जा रहे हैं आज भी। आज मैं उपमा खाऊंगी, आज मैं बिल्कुल डोसा नहीं खाने वाली। मैं डोसा आना जब सुनेगी ना, उसको छोड़ के दोनों खा रहे हैं, आके ही बोलेंगे क्यों किया आप लोगों ने ऐसा। उसको अच्छा लगता है होटल में जाके खाना खाना, ऐसे ब्रेकफास्ट कहीं पे डिनर सब अच्छा लगता है। सो चलो आज मौका को कभी मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, चलो जाके खा के ही आते हैं। वो है रेस्टोरेंट, ये वाली गली से हम निकले हैं और देखो उनको देखो, जल्दी जल्दी जा रहे हैं ऑर्डर देंगे। मेरे लिए उपमा ऑर्डर करो। ओहो मेरा ये उपमा ऐसे फैल क्यों गया है। उपमा के साथ ये है चटनी। देखो 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 देखो, ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, बट उपमा आज मुझे उतना अच्छा नहीं लगा टेस्ट, पता नहीं क्यों। और अभी ना आना का भी टिफिन का टाइम हो गया है 10 o'clock, सो आज इन सारे पौधे जो आप देख रहे हो बेचारे सारे बहुत दिनों से मैंने धोए नहीं है अच्छे से, तो आज बाथरूम में लेके जाके सारे को इसको ये इसका तो होता ही नहीं है कुछ। देखो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कि कैसे पौधों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन फिर भी मेरे पास जितने हैं मैं कोशिश करती हूँ सारे हरे ताज़े रहे। हफ्ते में एक बार याद से नहला देती हूँ और मिट्टी को ढीला कर देती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़े तो खाद भी दे देती हूँ, बस इतना ही।
पेड़ पौधों का केयर थोड़ा सा हो गया है। अभी मैं लंच बना रही हूँ। लंच में आज बनेगा फिश झोल, मतलब बंगाली एकदम टिपिकल बंगाली फिश, पतला सा एक झोल बनेगा। ये फिश मैंने फ्राई करके रखा है और कल जो पोस्तो बनाई थी ना वो थोड़ा सा रह गया है। ये बहुत टेस्टी बना था सच में। मैं किसी दिन आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। आज यहाँ पे काट लिया है, टमाटर भी काट लूँगी और यहाँ पे झोल बनेगा। अच्छा, आज रात को ना मैं ये छोले बनाऊँगी, छोले और भटूरे। से छोले भटूरे का डिमांड आया है तो कल रात को मैंने भिगो के रखे थे ऐसे चने, तो ये फूल गए हैं अच्छे से। अभी इसको बॉयल करने के लिए दूँगी। सोच रही हूँ बना के ही रख देती हूँ, देखती हूँ। अभी पहले तो इसको बॉईल कर लेती हूँ। इसे पोटली में मैंने कुछ खड़े गरम मसाले और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दी है और इसको इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा एक चुटकी सोडा दूँगी और नमक, ठीक है। तो इसके साथ मैं 6-7 सीटी लगा दूँगी इसका। ये देखो फिश झोल बन चुका है, माछेर झोल। फिश झोल बोलने से अच्छा नहीं लगता, माछेर झोल साग एक्चुअली सब्जी वब्जी के बगैर मैं ऐसे बना रही हूँ। छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो, देखा ना, ही सॉफ्ट चाहिए। बट अभी नहीं बनाऊँगी, ये साफ हो जाएगा ना फिर उसके बाद बनाऊँगी। रखना आ गई है, काम कर रही है। मैं थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ इसके साथ साथ। गरम तेल में मैंने डाला है तेजपत्ता, सूखी लाल मिर्ची, जीरा और एक बड़ी इलायची। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है ऑनियन, टमाटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा है। प्याज जब थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उस टाइम पे टमाटर को डाल दूँगी और प्याज और टमाटर दोनों को थोड़ा सा गलने तक ढक के पका लूँगी। आप यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हो ताकि ये जल्दी गल जाएगी। और थोड़ा सा जब ये पक जाएगा उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और साथ में ऐड कर दूँगी सारी ड्राई स्पाइसेस और इसके साथ कश्मीरी रेड चिली पाउडर और छोले मसाला। छोले मसाला मैं यहाँ पे एवरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कर सकते हो अपने पसंद का और घर पे भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी यूज़ कर दिया है, इससे जो टेस्ट है ना फ्लेवर वो अच्छा आता है। और देखो थोड़ा सा पानी डाल के अभी इसको मैं ढक के पकने दूंगी। अभी ऐड कर दूंगी छोले और सूखे सूखे मसाले के साथ, छोले के साथ एक साथ फ्राई करूंगी। थोड़ा छोले के अंदर मसाले का जो स्मेल है वो आने दूंगी, फिर उसके बाद गरम पानी इसमें डाल के ढक के पका लूंगी। जो स्मेल आ रहा है ना, ये देखो छोले एकदम परफेक्ट अच्छे से बन चुका है। थोड़ा सा इसको ऐसे मैश कर दूंगी तो क्या होता है, ग्रेवी है, टेस्टी बनता है ना। नहीं बस थोड़ा सा, ये देखो बहुत ही अच्छा बना है ना, ऑलमोस्ट डन है। और नहीं सुखाऊंगी, ऐसा ही रखूंगी। एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी जुलियन किया हुआ जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून बोल सकती हूँ, 4 o'clock है। और अभी अभी जस्ट आहानू को लेके आई हूँ, वो नहाने गई है, मैं भी फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि ऑटो से ना बाल का हालत और फेस का हालत, सबका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। आज मैं लंच करके नहीं गई थी, आहाना और मैं दोनों एक साथ लंच करेंगे, ठीक है, फिर लंच करके आपसे मिलूंगी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, बहुत देर के बाद आपसे मिल रही हूँ। वो तब आपको बोला था कि खाना खा के लंच करके फिर मिलूंगी। एक्चुअली लंच करने के बाद, लंच करते करते तो हमारा 4:30 बज गया था, वो लंच मैं नहीं बोल सकती, कुछ भी वर्क है। सो उसके बाद फिर कुछ देर रेस्ट लिया, फिर आना बोलने लगी चलो मम्मी वॉकिंग के लिए, तो वॉक वॉक करके आ गए। और आते ही सबसे पहला काम जो मैंने किया वो है भटूरे के लिए मैदा को गूंद के रख दिया, ठीक है। अभी मैं ये जो अभी आप देख रहे हो इसके नीचे मैंने जो है भटूरे की मैदा को गूंदा है और इसको ढक के फिर इसके ऊपर ढक के रख दिया है। 2 घंटे बाद फिर भटूरे बनेगा। अभी बजा है 8:20, तो 1.5-2 घंटे बाद फिर भटूरे बनेगा। छोले तो मैंने बना के रख ही दिया है, सुबह मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो छोले है ना थोड़ा जम जाता है तो अच्छा लगता है। सो गर्म कर लूंगी बनाने के टाइम पे, देखो आप एक बार
बहुत ज़्यादा तेल वेल नहीं डाला है इसमें, बट सुपर यमी लग रहा है देखने में और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो चलो अभी ढक देती हूँ। ठीक है, अभी आना का एग्जाम है ना, तो इवनिंग में वो थोड़ा पढ़ने के लिए बैठेगी, और जैसे कि मम्मी, मेरी सासू मम्मी सबका फ़ोन इस टाइम पे आते हैं, तो सबके साथ बातें भी किया, तो ये सब करते करते आज थोड़ा सा लेट हो गया। चलो आज रात को तो वैसे कुछ बनाने की कुछ टेंशन नहीं है, भटूरे बनेगा, आपसे मिलूंगी एक बार भटूरे के साथ। घड़ी में बजा है, देख रहे हो, टाइम हो गया है अभी इसको बनाने का। बहुत पहले ही बनाती लेकिन उनका कुछ कॉल चल रहा था, सो देखते हैं हाँ क्या चल रहा है अंदर, वो भी तो देखना है। ये देखो अच्छे से, ओ हो अच्छे से एकदम नरम हो गया है, थोड़ा फर्मेंट भी हो गया है, देखा एकदम बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। चलो अभी फटाफट भटूरे बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा प्याज काट के लाती हूँ। उफ, ये जो घड़ी है ना दिख रहा है बार बार, इसे जल्दी इसको ठीक करूंगी, क्योंकि इसको देख के ही मैं हमेशा काम करती हूँ, ये अगर खराब होगा तो मेरा काम भी खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। चलो भटूरे बनाते हैं, आप भी चलो आप भी भटूरे बनाओ मेरे साथ। ये देखो इतने सारे मतलब लोई बना के मैंने रेडी कर लिया है, और अभी फटाफट बेलते हैं और फ्राई करते हैं गरम गरम भटूरे। ये देखो आज का हमारा डिनर प्लेट बिल्कुल रेडी है, भटूरे, छोले और लच्छे प्याज, और इसके साथ है हरी मिर्ची फ्राई किया हुआ। क्यों, अच्छा लग रहा है ना? सो चलो कर लेते हैं डिनर। अभी अगर देर करूंगी ना तो ये जो भटूरे हैं फुस हो जाएंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, खाने में भी। तो चलो हम लोग खा लेते हैं छोले भटूरे, और आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहना, हैप्पी रहना, अपने आप को सेफ रखना, ठीक है, बाय बाय। भटूरे एंजॉय करते हैं। खाना खाने के बाद क्या कर रही हूँ देखो, चिमनी क्लीन कर रही हूँ, और इसके जो प्लेट्स है ना इसको ये देखो डिप किया है, कल सुबह इसको क्लीन करूँगी, देखा काम कभी ख़त्म नहीं होता, और फ्राइडे फ्राइडे ये काम तो मेरा रहता ही है, मैंने आपको बोला है। चलो बाय बाय आज के लिए, गुड नाइट।